ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर उत्तर प्रदेश में तैयारी पूरी हो चुकी है। सुरक्षा के भी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए हैं, साथ ही अलग अलग व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरी तैयारी जो है अब अपने एंड पॉइंट पे है। और इसी के साथ अब आपको सीधे ले चलते हैं उत्तर प्रदेश में, जहाँ G20 समिट का कार्यस्थल है। हमारे संवाददाता अविनाश कुमार वहां पर है, जो हमें इस पूरे स्थल का जायजा कराएंगे। अविनाश, क्या कुछ तैयारियां हो रही हम देख सकते हैं, भव्य तरीके से यहाँ पर जो है व्यवस्थाएं की गई है। जिस तरीके से कल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और G20 समिट होना है, इसको लेकर राजधानी लखनऊ में पूरी तरीके से सजा दिया गया था। और राजधानी लखनऊ में जो वृंदावन योजना है, यहाँ पर G20 को लेकर एक टेंट सिटी बनाई गई है, जहाँ पर जो विदेशी निवेशक आएंगे वो यहाँ पर आएंगे। हम तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखाएंगे जिस तरीके से यहाँ पर ये कार्यक्रम होना है, G20 और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है, इसको लेकर यहीं पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आएंगे और 10 बजे जो इन्वेस्टर समिट है उसको लेकर शुरुआत करेंगे। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं, यही वो स्थल है जहाँ पर कल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है। और तस्वीरों के माध्यम से ये भी आप देख सकते हैं, बात किया जाए कि निवेशकों के बैठने की व्यवस्थाएं भी पूरी तरीके से पुख्ता इंतजाम सरकार के द्वारा किए गए हैं कि जो निवेशक आएंगे उनको किसी भी तरीके से कोई उन्हें दिक्कत नहीं होना चाहिए, इसको खास ख्याल रखा गया है। इसको लेकर आप जिस तरीके से अगर बात की जाए कि जो विदेश से निवेशक आएंगे उनको उनका ध्यान रखते हुए सरकार ने काफी तैयारियां भी की है। जी बिल्कुल अविनाश, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद रहेंगे, यहाँ पर आएंगे तो सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए? जी बिल्कुल, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में विदेशी निवेशक आने जा रहे हैं उसको लेकर कल डीएम सूर्य जिलाधिकारी गंगवार साहब ने भी कल सुरक्षा व्यवस्था को भी लेकर पूरी तरीके से तैयारियां की हैं। और सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो उसकी तरीके से पूरी तैयारियां मजबूत तरीके से की गई हैं और ड्रोन से चप्पे पे नजर रखी जाएगी। और बात किया जाए सुरक्षा व्यवस्था कमिश्नरेट में जो कमिश्नर साहब है उन्होंने इसके पहले एक बैठक भी किया है कि G20 में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लेकर जिस तरीके से लोगों की जो छुट्टियां थी उनको भी निरस्त कर दिया गया है। जी बिल्कुल, और इस बार हमने देखा है कि एक अनोखे तरीके से जो विदेशी मेहमान आने वाले हैं उत्तर प्रदेश की भूमि पर, उनके स्वागत के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया गया है, उनके देशों के झंडे यहाँ पर उनके सम्मान में लगाए जाएंगे, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी बिल्कुल, जिस तरह से निवेशक आएंगे विदेश से, सबसे पहले वो एयरपोर्ट पे उतरेंगे, वैसे ही जैसे ही वो एयरपोर्ट पे आएंगे उसके बाद श्री राम भगवान के जो छोटे भाई हैं अनुज लक्ष्मण जी की मूर्ति लगाई गई है, वो वहां पर पहले उनको दर्शन करेंगे और उसके बाद वृंदावन योजना में जो टेंट सिटी है यहाँ पे आएंगे और उनके सम्मान के लिए जो 20 देश है उनके सभी अलग अलग देशों के जो झंडे हैं उनके सम्मान में लगाए गए हैं। जी पीएम मोदी यहाँ पर आएंगे, साथ ही कई बड़े नेता आएंगे, तो कौन कौन से नेता जो है बड़े इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एयरपोर्ट पे 9 बजे आएंगे, उसके बाद सीधे 10 बजे जो टेंट सिटी बनी हुई है यहाँ पर आएंगे और 10 बजे प्रधान नरेंद्र मोदी G20 और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राजनाथ सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे और भी बड़े कई नेता हैं जो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जी अविनाश, हम तस्वीरों में देख सकते हैं काम अभी भी चल रहा है, तो अभी कितने परसेंट काम हो गया और कितना काम बाकी है, क्योंकि समय अभी बहुत कम है, कितना काम अभी होना बाकी है यहाँ पर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर की शुरुआत में जो तैयारियां हो रही थी वो लगभग पूरी हो चुकी हैं, क्योंकि जिस तरीके से 10 से 12 फरवरी का ये इन्वेस्टर समिट की शुरुआत भी होने जा रही है, तो कल 10 फरवरी है, कल 10 बजे से इसकी शुरुआत भी होगी, तो लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और जो भी अभी काम रह गया है वो आज शाम तक खत्म हो जाएगा और लगभग तैयारियां सभी पूरी हो चुकी हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हमारे संवाददाता सीधे यहाँ G20 के कार्यस्थल से जुड़े थे और उन्होंने एक एक चीज का जायजा हमें दिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तैयारियां जोरों पर है, सुरक्षा के भी पुख्ते इंतजाम किए गए हैं, साथ ही विदेशी साथियों के स्वागत के लिए भी कई सारी चीजें यहाँ पर की गई है। तो सीधी तस्वीरें हमने आपको उत्तर प्रदेश से बताई।